नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। आज मैं आपको उलन का ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना भी आसान है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम ऊन और क्रूस लेंगे और हम अपना चैन स्टिच बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरह से दो बार करके क्रूस को घुमाएंगे तो यहाँ मेरा एक नॉट बन जाता है और हम इस तरह से इसमें निकालते हुए फंदा में से ऐसे से निकाल के चैन स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और चैन स्टिच बनाने के बाद इसी तरह हम अपना चैन स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से और फिर ऐसे इसके अंदर से फंदा को लाते हुए। मैंने अपना चैन बना लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब इसमें हम लॉन्ग कैसे बनाएंगे। देखिए पहले ऐसे करके धागा को आगे लेंगे और फिर हर चैन में देखिए ये वाले में इन करके इस तरह से धागा को खींचेंगे और इस तरह से पहले तीन को दो करेंगे और फिर दो को एक। इसी प्रकार हम हर चैन में इसी तरह से करते हुए हम लॉन्ग बनाएंगे। तीन को दो और दो को एक करेंगे। देखिए इसी तरह से हम अपने हर चैन में लॉन्ग बना लेंगे। देखिए मैंने हर चैन में अपना लॉन्ग बना लिया है। अब एक आपको फिर से करके दिखाती हूँ कि लॉन्ग कैसे बना। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे फिर तीन को दो करेंगे फिर दो को एक। अब देखिए फिर हम एक चैन लेंगे और इस तरफ से आ जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि हम ये वाला लाइन कैसे बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले जो हम साइड में दो लॉन्ग है किनारे में उसमें दो लॉन्ग बना लेंगे ताकि मेरे किनारे से एक जैसा हो और दिखने में अच्छा लगे। दो लॉन्ग बनाने के बाद हम यहाँ पे दो चैन लेंगे। देखिए इस तरह से एक और दो और यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच लॉन्ग छोड़ने के बाद जो मेरा यहाँ का है वहाँ पे हम इस तरह से लेते हुए यहाँ पे अंदर से घुसाएंगे और हम अपने ऊन को इस तरह से थोड़ा लूज खींचेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे जाके हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए इतना लंबा। फिर हम उसी जगह पे अंदर से फिर से ऊन लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा ऊन को हम इस तरह से खींच लेंगे और फिर बनाएंगे। और इसी प्रकार हमें यहाँ पे छः बनाना है, छः लॉन्ग बनाना है। जैसे एक दो फिर एक ही जगह पे हमको छः लॉन्ग बनाना है। इस तरह से थोड़ा हम अपने ऊन को लूज छोड़ेंगे और देखिए पाँच और यहाँ पे हो गया ये छः। और जब छः लॉन्ग बन जाए एक दो तीन चार तो फिर से हम दो चैन लेंगे और दो चैन लेने के बाद हम अपने धागे को आगे करते हुए फिर यहाँ से हम लॉन्ग गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये पाँच दस। जब दस लॉन्ग हो जाएगा तो दस लॉन्ग के बीच दसवें मतलब यहाँ पे फिर से हम अंदर इसी तरह जैसे मैंने इससे पहले किया था क्रूस को अंदर करते हुए ऊन को खींचेंगे और इस तरह से थोड़ा हम लूज करेंगे और हम फिर तीन से दो और दो से एक करेंगे छः बार। देखिए यहाँ छः लॉन्ग बनाएंगे और इसी प्रकार से इस रो में हमें इसी प्रकार से करना है। दस दस लॉन्ग छोड़ने के बाद ये छः लॉन्ग बनाना है। देखिए
और 6 लॉन्ग बनाने के बाद हमें 2 चैन बनाना है। ये देखिए यहाँ पे 6 लॉन्ग हो गया, तो फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से हम अप फिर से हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे 10 लॉन्ग छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 6 और 4 10। उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसी तरह जैसे मैंने पहले यहाँ बताया था। देखिए मैंने पहले अपना रो कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार 10 लॉन्ग छोड़कर 11 लॉन्ग में 6 लॉन्ग बनाना है, फिर 2 चैन लेना है, फिर 10 लॉन्ग नीचे छोड़ के 11वें में 6 लॉन्ग बनाना है और 2 चैन। इसी प्रकार मैंने ये रो तैयार करे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दूसरे रो में जो ये है ये वाला कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले हम किनारे में उसी प्रकार 2 लॉन्ग बना लेंगे, चैन लेंगे और लॉन्ग में 2 चैन में है यहाँ पे, तो 2 लॉन्ग बना लेंगे, 1 चैन में एक। इसके बाद जो हमने यहाँ पे 2 चैन बनाया था उसके नीचे हम इस तरह से नीचे करके यहाँ पे 2 लॉन्ग बना लेंगे। अब हम हर लॉन्ग के बीच में, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 6 लॉन्ग बनाया था, तो अब हर लॉन्ग के बीच में हम 2 2 लॉन्ग बना लेंगे। चैन में ध्यान रखिएगा, चैन पे नहीं बनाएंगे, लॉन्ग के बीच में। देखिए हर लॉन्ग के बीच में हमको 2 2 लॉन्ग बनाना है और इसी प्रकार से मेरा ये रो पूरा करना है। देखिए फिर दूसरे वाले लॉन्ग में फिर 2 लॉन्ग बनाना है, अच्छी तरह से हाथ से हटा लेंगे इसको और फिर यहाँ पे 2 लॉन्ग बनाएंगे। और जहाँ पे पहले हमने 2 चैन बनाया था उसके नीचे भी 2 लॉन्ग बनाएंगे और इसी प्रकार से इस रो को पूरा कर लेना है। देखिए देखिए जहाँ पहले मैंने 2 चैन लिया था वहाँ पर मैंने 2 लॉन्ग बना लिया। अब इसी प्रकार हर लॉन्ग में हमें 2 लॉन्ग बनाते बनाते इस रो को पूरा कर लेना है। इस डिज़ाइन से आप शॉल बना लेंगी तो बहुत खूबसूरत लगता है, या जैकेट बना सकती हैं। आप चाहे तो यहाँ इसे आप एक कलर से भी बना सकती है, मैं यहाँ पर 2 कलर से बनाऊंगी ताकि आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जहाँ 2 चैन था वहाँ पे हम 2 लॉन्ग बनाए, फिर से इसी प्रकार जो 6 लॉन्ग बनाए थे उसके हर लॉन्ग में हमें 2 2 लॉन्ग बनाना है। देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं ये वाला रो कैसे बनाऊँगी। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दो जो साइड में 2 लॉन्ग है उसमें उसी प्रकार हम 2 लॉन्ग बना लेंगे और 2 लॉन्ग बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। और जो मैंने यहाँ पे 2 लॉन्ग बनाया था उसे छोड़कर जो मैंने 1 लॉन्ग के बीच में 2 लॉन्ग बनाया था उस 2 लॉन्ग के बीच में हम फिर 2 लॉन्ग बनाएंगे। इस तरह से देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, ये जो मैं पहले वाले रो में 2 लॉन्ग बनाए थे 2 चैन के ऊपर, उसमें हमें कुछ नहीं करना, ऊपर 2 चैन हम बना लिए हैं और जो पहले नीचे में 6 लॉन्ग बनाए थे और 1 लॉन्ग में हम 2 लॉन्ग बनाए थे, तो वो 2 लॉन्ग के बीच में फिर से हमें 2 लॉन्ग बनाना है। देखिए
फिर इस तरह से हम इसको छोड़ के दो लॉन्ग के बीच में, जो पहले हम दो दो लॉन्ग बनाए थे एक लॉन्ग के में ना, तो उसी दो लॉन्ग के बीच में हम दो लॉन्ग बनाएंगे। और ये मेरा चौथा राउंड में ही रो में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। बस यही डिज़ाइन है, इस तरह से मेरा पांच, देखिए बनाए इस तरह से। अब देखिए मेरा यहाँ पे दो चैन किए तो यहाँ पे पांच, एक एक मतलब लॉन्ग दो किए तो एक दो तीन चार पांच होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए वो दो चैन के ऊपर दो लॉन्ग आया था, तो वहाँ छोड़ के फिर से हम यहाँ पे दो चैन बनाएंगे। और दो चैन बनाने के बाद वही दो लॉन्ग के बीच में हम फिर दो लॉन्ग बनाएंगे जो मैंने पहले बताया था, और इसी प्रकार से हम इस रो को बना लेंगे। मेरा ये रो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको फिर से बताने जा रही हूँ कि मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले तो मैंने चैन स्टिच बनाया था, और उसके बाद मैंने हर चैन में लॉन्ग बना लिया था। उसके बाद वाले रो में देखिए मैंने पहले दो लॉन्ग बनाया था, फिर दो चैन और पांच लॉन्ग छोड़ने के बाद यहाँ पे हमने छः लॉन्ग बनाया था, और छः लॉन्ग बनाने के बाद यहाँ पे दो चैन लिए थे, और यहाँ पे दस लॉन्ग छोड़ के ग्यारहवें लॉन्ग में फिर से मैंने छः लॉन्ग बनाया था, और फिर दो चैन बनाए थे, और फिर से यहाँ पे दस लॉन्ग छोड़ कर यहाँ पे छः लॉन्ग बनाया था। इसके बाद वाला रो मैं बताने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो लॉन्ग बनाया था, ठीक उसी के ऊपर मैंने दो लॉन्ग बना लिया, और जो मैंने दो चैन बनाया था पहले यहाँ नीचे, वहाँ पे मैंने दो चैन दो लॉन्ग बना लिया, और फिर जो मैंने यहाँ पर छः लॉन्ग बनाया था उन इन लॉन्ग के बीच में हम एक लॉन्ग के बीच में दो लॉन्ग बनाया, जिससे यहाँ पर पाँच का जोड़ा बन गया। देखिए एक दो तीन चार पाँच, हर लॉन्ग में हम दो दो लॉन्ग बनाए तो यहाँ पर दस लॉन्ग हो गया, दो दो का जोड़ा कर पाँच। और फिर जहाँ दो चैन बनाए थे वहाँ पे दो लॉन्ग लिए, और फिर छः लॉन्ग जो बनाए थे वहाँ पे हर लॉन्ग के बीच में दो लॉन्ग बनाए, जिससे ये पाँच हो गया, एक दो तीन चार पाँच। इसके बाद वाला रो मैं बताने जा रही हूँ। उसके बाद फिर से हम दो लॉन्ग के ऊपर दो लॉन्ग बना लिए, और फिर दो चैन बनाए, और जो मैंने यहाँ पे पांच लॉन्ग बनाया था एक लॉन्ग के बीच में दो लॉन्ग, फिर उसी के बीच में मैंने दो लॉन्ग बना लिया इस तरह से। देखिए एक दो तीन चार पाँच, फिर दो चैन लिए, फिर लॉन्ग के बीच में दो लॉन्ग के बीच में दो लॉन्ग बना लिए इस तरह से पांच। अब मैं यहाँ पे दूसरा रंग लगा रही हूँ। आप चाहे तो इससे कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से डिज़ाइन समझ में आया तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगा रही हूँ, और सेम इसी तरह वो डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे मैंने दूसरा रंग जोड़ दिया है। अब यहाँ जैसे दो लॉन्ग बनाए थे उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे दो लॉन्ग बनाना है। अब जहाँ दो चैन था वहाँ पे हम दो लॉन्ग बनाएंगे, जैसे मैंने इस राउंड में बनाया था उसी प्रकार अभी फिर करना। अब हर जगह यहाँ दो लॉन्ग के बीच में हम फिर से दो लॉन्ग बनाएंगे। फिर से यहाँ पे दो लॉन्ग के बीच में दो लॉन्ग, इसी प्रकार हमें ये रो पूरा कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पाँच का जोड़ा था ना, उसी पर हम लोग फिर से इसे पाँच का कर लेंगे। और फिर यहाँ दो चैन के बीच में हम दो लॉन्ग बना लेंगे, और इसी प्रकार से ये रो पूरा कर लेना है। मैंने ये रो बना लिया है। अब मैं फिर से यहाँ पे यही वाला चीज़ बनाने जा रही हूँ, तो एक बार मैं आपको फिर से बना के बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
जैसे कि ये हर बार मैं बताती हूँ कि साइड किनारे में दो लॉन्ग में हर चैन में हम एक एक लॉन्ग बनाएंगे। उसके बाद दो चैन बनाएंगे। अब देखिए दो चैन करने के बाद हम बताएंगे कि कहाँ पे जो हमने यहाँ पे पांच का जोड़ा बनाया था, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो तीसरा है बीच का, उसके बीच में हम घुसा करके यहाँ पे हम अपना वो जो मैंने यहाँ पे नीचे 6 लॉन्ग बनाया था वो बनाएंगे। देखिए बस इसमें इसी बात का ध्यान देना कि हम लोग पहले नीचे में 10 लॉन्ग छोड़े थे, यहाँ 10 लॉन्ग ना छोड़ के, मतलब यहाँ जो बीच में पांच का जोड़ा था तो तीसरे वाले में हमें यहाँ पे 6 लॉन्ग बनाना है। देखिए और 6 लॉन्ग बनाने के बाद दो चैन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे जो बीच का मेरा है वहाँ पे हम यहाँ पे 6 लॉन्ग बनाएंगे और इसी प्रकार मेरा कर लेंगे। और उसके बाद तो जैसे मैंने यहाँ बनाया, फिर वही ये बनाने के बाद हम फिर ये वाला रो बनाएंगे जो पहले नीचे बनाया था, और बस इसी को फॉलो करते हुए देखिए इस तरह मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये बनाए थे अभी, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ये बनाया, फिर ये वाला बनाया जो सेम यही वाला है, और इसी को फॉलो करते हुए इस तरह से सुंदर सा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा आपका। मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसके बाद और भी लगाने से, मैं यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन बताने के लिए सैंपल बनाई, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना। आपको अगर शॉल बनाना है तो उसके अनुसार आप इसका लंबाई और चौड़ाई रखें, जैकेट बनाना, ये सब आप पर है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको पता चले। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं इसका ज़रूर जवाब दूँगी।